हेलो एवरीवन, एबीसी एंड व्लॉग अस्मत बेकिंग कुकिंग एंड व्लॉग्स में वीडियो व्लॉग शॉर्ट्स देखते जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। राइस क्रिस्पीज स्क्वायर्स बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद होते हैं। मार्शमेलो का एक कोई सा फ्लेवर बहुत मज़ा देता है, तो ये हलाल नहीं होते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि मार्शमेलो कैसे बनाएं। यूनिक टेस्ट के साथ आज मैं एक रेसिपी बना रही हूँ, मार्शमेलो पाइनएप्पल फ्लेवर राइस क्रिस्पीज स्क्वायर्स। फ्रेश पाइनएप्पल जूस, राइस क्रिस्पीज का एक पूरा बॉक्स राइस क्रिस्पीज सीरियल है, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मगर इसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो राइस क्रिस्पीज स्क्वायर्स पाइनएप्पल फ्लेवर, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने मार्शमेलो घर पे कैसे बनाया। मार्शमेलो बनाया, उसके क्यूब्स काटे, और ये बेसिक मार्शमेलो से अब मैं राइस क्रिस्पीज स्क्वायर्स बना रही हूँ। तो सबसे पहले मार्शमेलो के पीसीस ले लिए और राइस क्रिस्पीज, प्लेन राइस क्रिस्पीज का पूरा एक बॉक्स। अब इसके ऊपर कैसे इसको फॉलो करते हुए बनाना है ये देखते जाइए। मेन इंग्रेडिएंट्स तो हो गए मार्शमेलो। मार्शमेलो को एक पॉट में डाला और उसके अंदर थोड़ा सा लाइट सा क्वार्टर से भी कम येलो कलर पाइनएप्पल एसेंस, पाइनएप्पल फ्रेश जूस और लेमन जूस, 1 टीस्पून लेमन जूस। एक पैन को बटर से कोट करके या ऑयल से कोट करके साइड में रख लिया। अब इस लिक्विड के अंदर मार्शमेलो जैसे ही मेल्ट होगा तो वो शुगरी लिक्विड बन जाएगा। अब इसके अंदर ये सब चीज़ें, कलर, एसेंस, पाइनएप्पल जूस, ये सब डाल के पका लिया। जब ये थोड़ा सा थिक थिक सा हो गया, इसके अंदर राइस क्रिस्पीज डाल दिए। मैंने 6 कप ऑफ राइस क्रिस्पीज लिए हैं। इस सारे मटीरियल में 1/2 कप लिक्विड होगा। अगर जिसको बहुत गुई बनाना है वो मार्शमेलो ज़्यादा कर ले। तो ये कई दफ़ा बनता है हमारे यहाँ, इसलिए जब भी हुआ डिफरेंट तरीके से उसको बनाया। तो ये वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप, देखते जाइए। राइस क्रिस्पीज स्क्वायर विथ पाइनएप्पल फ्लेवर। इसी वक्त, इस मौके पर जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, तो इसमें चॉकलेट चिप भी मिला सकते हैं, छोटे छोटे मार्शमेलो के पीसेस मिला सकते हैं, और बहुत सारे फ्लेवर वाली चीज़ें इसमें मिलाई जा सकती हैं। सीज़न के हिसाब से कुछ रेड और ग्रीन स्टफ़ मिला सकते हैं, कैंडी मिला सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो इसी वक्त ऐड कर सकते हैं। तो आप देखते जाइए नई नई वीडियोस कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे कैसे बनाई हैं। एक स्पून में बैक साइड पे थोड़ा सा प्रेस करने के लिए इसे मैंने बटर लगाया और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस कर दिया, ताकि ये एक फर्म जैसा, जैसे स्क्वायर स्क्वायर्स के जब कटें तो ये मैश ना हो। अब देखिए ये प्रेस हो गया और एक फर्म में आ गया। राइस क्रिस्पीज स्क्वायर्स, ये प्लेन राइस क्रिस्पीज होते हैं, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। बच्चे इसको सीरियल में डाल के, दूध में डाल के खाते हैं, मगर इससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके स्क्वायर्स बनाए हैं, इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर है। मार्शमेलो में उस वक्त मैंने फ्लेवर नहीं मिलाया था, अब मैंने इसमें फ्लेवर मिला के राइस क्रिस्पीज के साथ इसके स्क्वायर्स बनाए हैं। ऊपर से हल्की सी चॉकलेट डाल दें या थोड़ी कोटेड कर दें चॉकलेट, तो ऊपर से चॉकलेट बिल्कुल जम जाएगी, और स्क्वायर कुछ काट के उनके ऊपर स्प्रिंकल डाल दें, तो ये राइस क्रिस्पीज स्क्वायर्स बन जाएंगे। और ये बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत शौक से, बहुत मज़े ले लेके खाते जाते हैं पूरे सीज़न। तो एक बॉक्स जो है राइस क्रिस्पीज का, उसके अंदर 30 स्क्वायर्स होते हैं, मगर ये हलाल नहीं होते। घर पे बनाएं हलाल मार्शमेलो राइस क्रिस्पीज स्क्वायर्स विथ पाइनएप्पल फ्लेवर। तो ये वीडियो बहुत लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि बस अब ये जो सीज़न होता है, वेकेशन का सीज़न आ जाता है, विंटर का सीज़न होता है, तो घर में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। बड़ों को, बच्चों को स्नैकिंग में ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो राइस क्रिस्पीज पाइनएप्पल फ्लेवर आपने देखा कैसे बना, इस वीडियो को देखते जाइए, रेसिपी इसी में मौजूद है, और खूब इंजॉय करें, बनाएं अपनी फैमिली फ्रेंड्स,
और जिनके पास बच्चे होते हैं, स्नैकिंग में घर की हलाल अच्छी चीज़ें बनी हुई हों तो खूब मज़ा आता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और देखते जाइए अच्छी अच्छी सी वीडियोज़। और इस राइस क्रिस्पी से, मार्शमेलो से बहुत चीज़ें बनाई हैं, इन्जॉय करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।